सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा सात की अमृतम पुस्तक के चतुर्थ पाठ यानी कि चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अस्माकं विद्यालय यानी कि हमारा विद्यालय। यहाँ पर संख्यावाची शब्द प्रयोग जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ है कि आपके इस पाठ में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आप अपने पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िए और मेरी पेंसिल जो आपको संकेतिका का कार्य करती है और मैं आपके शब्दों का जो अर्थ बताती हूँ उन पर भी आप ध्यान रखेंगे, तभी आप अपने पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। अस्माक विद्यालय देहरादून नगरे अति सुरम्य स्थले राजते। अस्माकम अस्माकम का अर्थ है हमारा विद्यालय है। विद्यालय देहरादून नगरे, देहरादून नगर में अति सुरम्य, अतीव का अर्थ है बहुत ही सुरम्य रमणीय स्थले स्थान पर राजते सुशोभित है। हमारा विद्यालय देहरादून के बहुत ही शोभनीय स्थान पर है। विद्यालयम परितः देवदारु वृक्षः शोभन्ते। विद्यालयम परितः का अर्थ है विद्यालय के चारों ओर देवदारु वृक्षः देवदारु के पेड़ शोभन्ते सुशोभित होते हैं। विद्यालय के चारों ओर देवदारु वृक्ष सुशोभित होते हैं। समीपे एव एका नदी वहती अत्र निर्जनानां कलकल ध्वनि सर्वेषां मनसि मोहयति। समीपे एव, समीपे एव का अर्थ है पास में ही, एका नदी, एक नदी वहती बहती है, यत्र यत्र माने वहां, निर्जनानां झरनों का कलकल ध्वनि, कलकल करता हुआ ध्वनियों का जो शोर है, सर्वेषां मनसि सभी के मन को मोहयति मोहित करता है। पास में ही एक नदी बहती है, वहां पर जो झरना है उसकी कलकल की ध्वनि सभी के मन को मोहित करती है। उद्याने विकसितेषु पुष्पेषु भरमाणां गुंजनं करणेषु मधु इव मिश्रयति। उद्याने, उद्याने का अर्थ है बगीचे में, विकसितेषु पुष्पेषु का अर्थ है विकसित हुए फूलों पर, भरमाणां भवरों का गुंजनं गुंजन करणेषु कानों में मधु इव मीठे के समान मिश्रयति घोलता है। बगीचे में खिले हुए फूलों पर भौरों का जो शोर है वह कानों में मीठे के समान घुलता है। छात्राः दूर देशेभ्यः अत्र अध्ययनाय आगच्छन्ति। छात्राः सभी छात्र दूर देशेभ्यः दूर देशों से भी अत्र माने यहाँ अध्ययनाय पढ़ने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। सभी छात्र दूर देशों से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अस्य भवनम विशालम मनोहरम च अस्ति। अस्य माने इसका भवनम भवन, विशालम बहुत ही बड़ा, मनोहरम च और मनोहारी अस्ति माने है। इसका भवन विशाल और मनोहारी है। अस्मिन् भवने पंचविंशतिः प्रकोष्ठाः सन्ति। अस्मिन् भवने, इस भवन में पंचविंशतिः, ये आपका संख्यावाची शब्द है। आप अपने इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इस पाठ से ही आपकी संख्याओं का ज्ञान कराया जा रहा है। पंचविंशतिः, पंचविंशति का अर्थ है 25, प्रकोष्ठाः कमरे सन्ति माने है। इस भवन में 25 कमरे हैं। प्रति प्रकोष्ठम पंचचत्वारिंशत् छात्राः तिष्ठन्ति। प्रति प्रकोष्ठम, प्रति प्रकोष्ठम का अर्थ है हर कमरे में पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत् का अर्थ है आपका 45 छात्राः छात्र तिष्ठन्ति बैठते हैं। हर कमरे में 45 छात्र बैठते हैं। विद्यालय भवने विंशतिः स्तंभः अष्टाविंशतिः गवाक्षः च सन्ति। विद्यालय भवने का अर्थ है विद्यालय के भवन में विंशतिः 20, स्तंभः खंभे, अष्टाविंशतिः 28, गवाक्षः च और खिड़कियां सन्ति माने है। विद्यालय के भवन में 20 स्तंभ और 28 खिड़कियां हैं। अत्र द्वात्रिंशत् अध्यापकाः अध्यापिकाः च छात्रान् अध्यापयन्ति।
अत्र माने यहाँ, द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत का अर्थ है आपका 32, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापिका च और अध्यापिकाएं छात्रान छात्रों को अध्यापयन्ति पढ़ाती हैं। यहाँ 32 अध्यापक और अध्यापिकाएं छात्रों को पढ़ाती हैं। विद्यालय बालकः बालिका च छात्रावासे निवसन्ति, अत्र पञ्चविंशतिः कक्षाः सन्ति। विद्यालय, विद्यालय में बालकः बालिका च, सभी बालक और बालिकाएं छात्रावासे छात्रावास में निवसन्ति रहते हैं। यत्र माने जहाँ, पञ्चविंशतिः कक्षा सन्ति, विंशति का अर्थ है आपका 25, कक्षाः कक्ष, सन्ति माने हैं, जहाँ 25 कक्ष हैं। विद्यालय में सभी बालक और बालिकाएं छात्रावास में रहते हैं, जहाँ पर 25 कमरे हैं। प्रति कक्षम चत्वारः बालकः चतस्त्र बालिकः वा निवसन्ति। प्रति कक्षम, प्रति कक्षम का अर्थ है हर कक्ष में चत्वारः बालकः, चार बालक, चतस्त्र बालिका वा, वा का अर्थ होता है आपका अथवा, चतुर्थ बालिका यानी कि चार बालिकाएं निवसंती रहती हैं। हर कक्ष में चार बालक या चार बालिकाएं रहती हैं। अस्य विद्यालय भवनस्य त्रीणि प्रमुखाणि द्वाराणि सन्ति, यानी द्वारपालाः अहर्निशं रक्षन्ति। अस्य माने इसके विद्यालय भवनस्य, विद्यालय भवन के त्रीणि प्रमुखाणि, तीन प्रमुख द्वाराणि द्वार सन्ति माने है, यानी जिनके द्वारपालः, जो द्वारपाल है, अहर्निशं दिन रात रक्षन्ति रक्षा करते हैं। इस विद्यालय के तीन मुख्य द्वार हैं जिन पर द्वारपाल दिन रात रक्षा करते हैं। अस्माकं विद्यालय एकं विशालं क्रीडांगणं वर्तते। हमारे विद्यालय में एकं विशालं, एक बहुत बड़ा क्रीडांगणं, खेल का मैदान वर्तते है। हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। एक कहा पुस्तकालय अपि अत्र विद्यते, एक पुस्तकालय भी यहाँ पर है। एका संगीत शिक्षिका छात्राभ्य छात्रेभ्य च संगीतम शिक्षयति। एका माने एक, संगीत शिक्षिका संगीत की शिक्षिका, छात्राभ्य छात्रेभ्य च सभी छात्रों और छात्राओं के लिए संगीतम संगीत को शिक्षति सिखाती हैं। एक संगीत की शिक्षिका सभी छात्र और छात्राओं को संगीत की शिक्षा देती हैं। द्वो क्रीडा शिक्षकौ क्रीडांगणे अनेका क्रीडा कार्यत। द्वो क्रीडा शिक्षकौ का अर्थ है दो खेल के शिक्षक, क्रीडांगणे खेल के मैदान में, अनेका बहुत सारे, क्रीडाः खेल कार्यत कराते हैं। दो खेल के शिक्षक क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत सारे खेल कराते हैं। प्रार्थना सभायां द्वे बालके चत्वारः बालकः च मंचम आरुह्य इस स्तुति कुर्वन्ति। प्रार्थना सभायां, प्रार्थना सभा में द्वे बालिके, दो बालिकाएं, चत्वारः बालकः च और चार बालक मंचम, मंच पर आरुह्य चढ़कर इस स्तुति कुर्वन्ति, ईश्वर प्रार्थना करते हैं। सभा में दो बालिकाएं और चार बालक मंच पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। त्रय छात्राः मंच संचालने अपि सहायतां कुर्वन्ति। त्रय माने तीन, छात्राः छात्र, मंच संचालने मंच का संचालन, अपि माने भी सहायतां सहायता कुर्वन्ति करते हैं। तीन छात्र मंच के संचालन में भी सहायता करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एकः पुस्तकालय, जो आपका एकः शब्द प्रयोग हुआ है वह आपका एक के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन यह आपका पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। एकम विशालम, यहाँ पर एकम भी आपका एक के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन यह आपका नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। एका संगीत शिक्षिका, यह जो आपका एक का प्रयोग हुआ है, यह भी आपका एक के लिए ही प्रयोग हुआ है, लेकिन यह आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। यदि आप अपनी संख्याएं सीखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में संख्या की वीडियो देख सकते हैं। मैंने डीएवी स्कूल की
बहुत सारी वीडियो में संख्या की वीडियो सिखाई हुई है। आपकी हर कक्षा की अलग अलग प्लेलिस्ट में संख्या की वीडियो आपको मिल जाएगी। अस्माकं विद्यालये समय समय अनेका प्रतियोगिताः अपि आयोज्यन्ते। अस्माकं माने कि हमारे विद्यालय विद्यालय में समय 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 पर अनेका बहुत सारी प्रतियोगिताएं अपि माने भी आयोजन्ते आयोजित होती है। हमारे विद्यालय में समय समय पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। गत वर्षे चतस्र छात्राः संगीते पुरस्कारम् अजयन्। गत वर्षे का अर्थ है बीते हुए वर्ष में चतस्र छात्राः चार छात्राएं संगीते संगीत में पुरस्कारम् पुरस्कार को अजयत जीती हैं। पिछले वर्ष चार छात्राओं ने संगीत में पुरस्कार प्राप्त किया। त्रिय छात्राः भाषणे वाद विवादे च पुरस्कारम् आलभन। त्रिय छात्राः तीन छात्रों ने भाषणे भाषण में वाद विवादे च और वाद विवाद में पुरस्कारम् पुरस्कार को आलभन प्राप्त किया। तीन छात्रों ने भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया। वह छात्रा खो खो पाद कंदुके क्रिकेट क्रीड़ा आदिषु च अपि पुरस्कारान् आप्राप्नुवन्। वह छात्रा बहुत सारे छात्रों ने खो खो पाद कंदुकेन का अर्थ है आपका फुटबॉल, क्रिकेट क्रीड़ा आदिषु क्रिकेट आदि खेलों में च अपि और भी पुरस्कारान् पुरस्कार आप्राप्नुवन् प्राप्त किए। बहुत से छात्रों ने खो खो फुटबॉल और क्रिकेट आदि खेलों में पुरस्कार प्राप्त किए। अस्य परीक्षाफलं सदैव 100% भवति। अस्य माने इसका परीक्षाफलं, परीक्षाफल सदैव हमेशा 100%, 100% आपका 100% भवति होता है। इसका परीक्षाफल 100% होता है। वार्षिकोत्सवे अस्माकं प्रधानाचार्य विद्यालयस्य प्रगति विवरणं प्रस्तौति विजेतृभ्यः च पुरस्कारान् यच्छति। वार्षिक उत्सव में अस्माकं हमारी प्रधानाचार्यः प्रधानाचार्य विद्यालयस्य विद्यालय की प्रगति विवरणं प्रगति का विवरण प्रस्तुति प्रस्तुत करती है। चामाने और विजेतृभ्य विजेताओं के लिए पुरस्कारान् यच्छति पुरस्कार देती है। वार्षिक महोत्सव में हमारी प्रधानाचार्य विद्यालय की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है और विजेताओं को पुरस्कार देती है। एवं विद्यालयो अयम न केवलम नगरस्य अपितु समस्त देशस्य गौरवम वर्तते। एवं माने इस प्रकार विद्यालयो अयम यह विद्यालय नामाने नहीं केवलम केवल नगरस्य नगर का अपितु अपितु समस्त देशस्य पूरे देश का गौरवम गौरव वर्तते है। इस प्रकार यह विद्यालय न केवल नगर का अपितु पूरे देश का गौरव है। इस प्रकार आपका यह पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।